नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से पिछले हफ्ते याचिका दायर की गई थी। याचिका में मस्जिद में उस दौरान चल रहे सर्वे और वाराणसी की एक निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि अब मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को उम्मीद है कि निचली अदालत में चल रही कार्यवाही और सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर रोक लग सकती है। याचिका में कहा गया है कि 2021 में कुछ लोगों द्वारा वाराणसी की एक निचली अदालत में दायर की गई याचिका 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करती है और ये एक विवाद को जिंदा करने की कोशिश है। बता दें, इस याचिका पर ही निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे पूरा होने के बाद आज इस रिपोर्ट को स्थानीय अदालत में रखा जा सकता है। कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने की आखिरी तारीख 17 मई बताई थी, यानी कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे की रिपोर्ट आज ही पेश की जानी चाहिए। बता दें, सोमवार को निरीक्षण पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि परिसर में शिवलिंग मिला है, तो वहीं मस्जिद पक्ष उसे फवारा बता रहा है। हालांकि कोर्ट ने सर्वे के खत्म होते ही आदेश जारी कर शिवलिंग मिलने का दावा जिस जगह पर किया गया है उसको सील करने को कहा। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बाद अब मलवा क्षेत्र सांप्रदायिक बवाल की चपेट में आ गया है। नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के बाद सोमवार रात हुए उपद्रव के कारण शहर में 144 धारा लागू करनी पड़ी। नीमच के पुरानी कचहरी क्षेत्र में करीब 5000 फीट सरकारी जमीन पर दरगाह है। सोमवार शाम दरगाह के पास हिंदू समुदाय के लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापना का काम शुरू किया। शाम 5 बजे लाव लश्कर और व्यवस्थाओं के साथ मूर्ति की स्थापना के लिए पहुंचे इन लोगों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोका। बहसबाजी हुई, दोनों समुदाय के लोग बढ़ते गए। तनाव के हालात बनने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, काम रुकवा दिया गया। दोनों समुदाय के लोगों को समझाया गया, चर्चा के लिए पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया गया। इस बीच कुछ उपद्रवी तत्व उग्र हो गए, पत्थरबाजी शुरू कर दी, एक बाइक में आग लगा दी। बवाल बढ़ते ही दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने भी क्षेत्र और आसपास की दुकानें बंद कराई। हालात पर काबू पाने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। नीमच सिटी के TI भी घटना में घायल हुए। अक्सर मोदी सरकार और सीधे PM मोदी पर निशाना साधते रहने वाले BJP के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को अब हिंदू विरोधी बताया है और इसके उदाहरण भी दिए हैं। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदू विरोधी का रहा है, जो BJP के घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं कर रहे। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी करना, राम सेतु को प्राचीन धरोहर का दर्जा ना देना, उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों का अधिग्रहण और 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को वापस लेने से इनकार करना। बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी 1991 के उपासना स्थल कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बीते दिन उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदू मुसलमान समझौता कर लें और इस समझौते में मस्जिद कहीं और बनाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार रात को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि सरकार का बेहतर काम ही सत्ता में आने के दरवाजे खोल सकता है। न्यूज 18 के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से जनता की सेवा में और जी जान से जुटने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आराम के लिए वक्त नहीं है और सभी को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई की भी सराहना की। कई राजनीतिक दलों ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें एक दिन पहले चिंतन शिविर में कहा गया था कि क्षेत्रीय दलों में BJP और RSS को टक्कर देने के लिए विचारधारा की कमी है। ऐसे समय में जब क्षेत्रीय दलों ने कई राज्यों में BJP को पीछे कर दिया है, लेकिन कांग्रेस विफल हो गई। इसके अपने सहयोगियों में से एक झामुमो ने कहा, यह राहुल गांधी का आत्ममूल्यांकन है और वो अपनी राय के हकदार हैं, लेकिन उन्हें विचारधारा पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? हम बिना किसी विचारधारा के पार्टी कैसे चला रहे हैं? झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा, तथ्य ये है कि ये क्षेत्रीय दल हैं जिन पर कांग्रेस लड़ाई या जीत के लिए निर्भर है, चाहे वो झारखंड में झामुमो हो या बिहार में RJD। कांग्रेस की एक अन्य सहयोगी RJD ने भी राहुल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को BJP के खिलाफ चुनावी लड़ाई के नतीजों के बारे में पता होता तो उन्हें ऐसे क्षेत्रीय संगठनों द्वारा लाई गई वैचारिक और चुनावी प्रतिबद्धता का एहसास होता, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षमता नहीं है। बता दें, चिंतन शिविर में बोलते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस RSS के हमले के लिए एक वैचारिक प्रतिरोध बढ़ा रही है, जबकि क्षेत्रीय दलों के पास एक विचारधारा की कमी है और अलग अलग नजरिया है।
महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर के विवाद के बीच अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस ने एनसीपी पर निशाना साधा है। एनसीपी भी सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर से एनसीपी की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है और अगर ऐसा होना जारी रहा तो फिर कांग्रेस महाराष्ट्र की सरकार से समर्थन वापस लेने पर विचार कर सकती है। बता दें, नाना पटोले का कहना है कि भिवंडी में कांग्रेस के 17 नगर सेवकों को एनसीपी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। उसके बाद अमरावती के चुनाव में भी एनसीपी ने कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपा। उन्होंने ये तमाम बातें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताई हैं। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने वाली मांग वाली याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच का इस मामले में फैसला बटा हुआ आया था। जस्टिस राजीव शकदर ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के समर्थन में अपनी राय रखी थी तो जस्टिस सी हरिशंकर ने इसका विरोध किया था। अब इस बटे हुए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ये याचिका खुशबू सैफी ने दायर की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।